So this is final toll gate of Kodaikanal. पूरा उस साइड में लेक है नीचे, और जो वाटरफॉल था वो उस साइड में था. बहुत सही है. हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज विकी रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल. और आज का है डे 5 और हम लोग जाने वाले हैं वापस बैंगलोर कोडाईकनाल से. बड़ा दुख हो रहा है भाई कहते हुए, बट क्या करें, जाना पड़ेगा. पांचवा दिन है, राइड खत्म होने वाली है, और भी प्लान करते रहते हैं. तो अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो फॉलो कर लो भाई. इंस्टाग्राम पे इतना सारा कंटेंट आता है, फोटोज़ वोटोज़ डालते रहता हूँ मैं, अमेजिंग वाली. यू कैन चेक इट फ्रॉम द पॉप अप कमिंग राइट नाउ, विच इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल, दैट्स माई इंस्टाग्राम आईडी. और अभी क्या सीन है, आज का ये है सीन कि 7 बजे निकलेंगे हम लोग, एंड उसके बाद में हम लोग जाएंगे बैंगलोर. 452 किलोमीटर का स्ट्रेच है. वी आर गोइंग टू डूनिगल फर्स्ट, एंड उसके बाद में हम लोग करूर और वो सारा रूट ज्वाइन कर लेंगे. वो हाईवे है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे आराम से, कोई चक्कर नहीं है. डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, बट किलो जो ट्रैवलिंग टाइम है दैट इज़ लेस. काफ़ी अच्छा था कल हम लोग पहुँचे कोडाईकनाल, मज़े किए, इन्जॉय किए, व्यू पॉइंट्स देखा. अगर सिनेमेटिक शॉट्स नहीं देखे तो भाई बिल्कुल मिस मत करना, बहुत अमेजिंग वाले आए थे कल वाले, तो पिछला वाला भी व्लॉग्स देखो. और अभी क्या सीन है कि यहाँ से निकलेंगे हम लोग 7 बजे, और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा 1 घंटे के बाद में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और उसके बाद में मिलेंगे. स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड, मज़ा आएगा आज भी. तो चलो जी, अपना सामान रेडी हो चुका है, एंड वी वर स्टेइंग एट वैली व्यू. अच्छा है होटल कंपेयरिंग टू एनी अदर होटल हियर. प्राइस हम लोगों को काफ़ी कम पड़ गया था, हम लोग वैसे भी बजट ट्रिप कर रहे थे इस. तो अभी यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं रोड पे. चलो सो पेट्रोल का टैंक तो हम लोगों ने कल ही फुल करा लिया था, सो वी डोंट हैव टू स्टॉप एनीवेयर. यहाँ से सीधा निकल के अपन लोग मेन हाईवे ज्वाइन करेंगे. जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे. सो ये था पूरा कोडाईकनाल सिटी, और बहुत अच्छा है. रात में यहीं सब घूम रहे थे जगह हम लोग. वाओ, ऊपर जो चर्च है काफी अच्छी जगह बना हुआ है. सो अभी यहाँ पे आ गया अपना जो सिल्वर कैस्केड वाटरफॉल्स था अगेन. सो दिस इज फाइनल टोल गेट ऑफ कोडाईकनाल. देखो क्या नज़ारे हैं भाई. मदुरई 106, और वी आर गोइंग टू जॉइन डुंडिगल रूट, क्योंकि अगर हम लोग वो जो पीछे अभी यू टर्न पड़ा था वहाँ से जाते हैं तो वो लंबा पड़ जाता है, एंड द रोड्स आर नॉट गुड. हाँ, पहले नहीं होके जाना पड़ता, तो इनर रूट की वजह से स्पीड कम रहता है, देन इट विल टेक मोर टाइम. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से, जैसे आप लोगों को पता है कल वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैक्सिमम हाईवे था 50-60 किलोमीटर का स्ट्रेच था. 50-60 भी पूरा एग्जैक्ट बता देता हूँ, 56 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जिसमें से भी 10-12 किलोमीटर और अच्छा था. तो यहाँ पे हम लोग नीचे जा रहे हैं, और काफ़ी कुछ ट्रैवल कर चुके हैं अभी किलोमीटर्स कोडाईकनाल का जो 56 किलोमीटर का स्ट्रेच था. और ये देखो पूरा काफ़ी नीचे आ चुके हैं हाइट से. यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ, बहुत ही अमेजिंग सा आ रहा है. यहाँ पे ये देखो पूरा उस साइड में लेक है नीचे, और जो वाटरफॉल था वो उस साइड में था.
बहुत सही है। अभी हम लोग टुवर्ड्स प्लेन एरिया जा रहे हैं, उसके बाद में सीधा हम लोग NH 44 पकड़ लेंगे। यहाँ से हम लोग सीधा खींचेंगे डिंडीगल की तरह। यहाँ से है बेंगलोर 375 एंड वी हैव अगेन जॉइंट दिस NH 44। अमेजिंग जर्नी मैन, अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया। यहाँ पे ये विंडमिल वाला पूरा बहुत बड़ा था यार। उधर है ना खाने का, बीच में रोक देते हैं। छाव में तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। वी ऑर्डर्ड घी रोस्ट, मसाला डोसा और पूड़ी। ये राजेश भाई कैसा लग रहा है? अच्छा ना, बट ओवरवेलमिंग उनका रिस्पांस था कि आके बैठो जबरदस्ती बैठा है। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़ा सा टी ब्रेक के लिए। ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह, तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट फिनिश कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग। ये क्या हो गया इसको, बैक को वाओ, ये कोई सी नदी पड़ी है, आई डोंट नो कौन सी है। अमेजिंग ब्रिज, आसमान मस्त खुला हुआ और पूरा चमत्कार हो रखा है, मतलब हम लोगों के ऊपर पूरा बादल छा रखा है, बहुत अमेजिंग। सो वी आर एट रसम पालियम टोल प्लाजा। ओह, ये बाइक के लिए इतना पतला रास्ता क्यों बना था, थोड़ा सा तो चौड़ा कर दिया करें। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सेलम की तरफ और क्या मस्त वाली पहाड़ियाँ पड़ रही हैं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, क्या बात है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। और बैंगलोर है यहाँ से 249, मतलब किलोमीटर्स के किलोमीटर्स तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे पता नहीं कुछ है ही नहीं। तो अभी हो रहा है 139 एंड हम लोगों ने अराउंड 60% जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। तो जो एस्टिमेटेड टाइम है दैट इज़ अराउंड 5 or 5:30। यहाँ से टर्न है बैंगलोर के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट। अपने को किधर जाना है, बैंगलोर। यहाँ से लेफ्ट जाता है कोयम्बटूर स्ट्रेट है बैंगलोर। Bangalore is 166 kilometers from here. Krishnagiri is 73. Krishnagiri join करने के बाद में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगेगा क्योंकि already Bangalore start हो चुका होगा। और ये पीछे से एक बकचोद rider आते हुए, चले जा भाई आगे। So it's 3:24 and time to have some lunch क्योंकि काफ़ी लंबा खींच दिए हम लोग। Yep. इधर इस साइड में बैठ जाएंगे। गाइस, वी आर हैविंग लंच ब्रेक राइट नाउ एंड दिस इज बर्गर किंग कृष्णागिरी। यहाँ पे खाएंगे भाई, उसके बाद निकलेंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। गाइस, वी आर एट कृष्णागिरी नाउ और यहाँ से जो है
घर का डेस्टिनेशन जस्ट रह गया है समवेयर अराउंड 80 to 90 kilometers. यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा बैंगलोर स्टार्ट. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम आईडी विच इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल. और जितनी भी फोटोज़ हैं मैंने सारी ही पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे, तो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम आईडी एंड फॉलो मी. सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड बैंगलोर और जो हम लोगों का 5 days का ट्रिप था आज एंड हो गया है. और बहुत मज़ा आया 5 दिन के ट्रिप में, अलग अलग वेदर एक्सपीरियंस किया एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग. मतलब बयां नहीं कर सकते, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो व्लॉग टू चेक आउट फ्रॉम द आई नोटिफिकेशन से जाके चेक कर लो अगर व्लॉग्स नहीं देखे हैं. एंड पसंद आए तो सब्सक्राइब, भाई बहुत मेहनत लगती है और मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब करते हो आप लोग. सब्सक्राइबर्स देख के मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मेरे को और अच्छी राइड्स करनी चाहिए. दिस इज़ योर विकेट राइडर साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.